बदायूं के दातागंज विधानसभा के विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने अपने निजी धन से सैनिटाइजिंग मशीन खरीदकर गांव-गांव सैनिटाइज करने का निर्णय लिया है। विधायक बब्बू भैया ने जिलाधिकारी कुमार प्रशांत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी की मौजूदगी में सैनिटाइजिंग मशीन का सैनिटाइज करके शुभारंभ किया। साथ ही विधायक राजीव कुमार सिंह ने कहा कि सारा विश्व कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, इसकी रोकथाम के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन ही इस बीमारी से बचाव के तरीके हैं। सैनिटाइजिंग मशीन की सहायता से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर बड़े पैमाने पर वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइज करने का कार्य किया जाएगा। वहीं विधायक राजीव कुमार सिंह ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि महामारी के इस संकट की घड़ी में हम आपके साथ हैं। इस दौरान चेयरमैन आकाश वर्मा, उपजिलाधिकारी कुंवर बहादुर सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह समेत आदि लोग मौजूद रहे। ये कोरोना की लड़ाई में हम लोगों ने अपने शुभचिंतकों के प्रयास से बिना किसी सरकारी सहायता के ये सैनिटाइजिंग मशीन पूरी हाइपोक्लोराइड का छिड़काव गांव-गांव के लिए हर गांव में ये मशीन भेजी जाएगी और इसमें संक्रमण फैलने से रोकने में काफ़ी सफलता इस मशीन के छिड़काव से मिलेगी। जहां गांव-गांव में कहीं छिड़काव नहीं हो रहा है वहाँ भी इससे गाँव छिड़काव किया जाएगा और निःशुल्क किया जाएगा। किसी तरीके का कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा। जी आपके निजी धन से है? हमारे शुभचिंतकों के प्रयास से है, किसी का कोई इसमें और वो नहीं है। हमारे अपने सब भाई बंद जो भी हैं उनके तरीके से किया है, इसमें कोई सरकारी या किसी का कोई सहयोग नहीं।